अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक्सप्लो वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए वास्तव में कुछ आकर्षक और मन को झकझोर देने वाला कुछ है। यदि आप डिजिटल कला और संग्रहणीय वस्तुओं की दुनिया पर नजर रख रहे हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि NFT या अपूरणीय टोकन ने कला बाजार में तूफान ला दिया है। इस वीडियो में हम अब तक दर्ज की गई सबसे आश्चर्यजनक वॉलेट क्रचिंग NFT बिक्री के दायरे में गहराई से उतर रहे हैं। आभासी उत्कृष्ट कृतियों से लेकर मनमुग्ध कर देने वाले GIF तक चकित होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम 10 सबसे महंगे बिके NFT का अनावरण कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही अपूरणीय टोकन NFT ने दुनिया में तूफान ला दिया है, लेकिन उनके मद्देनजर उन्होंने हम में से कुछ लोगों को इस नवाचार के इर्द गिर्द अपना सिर लपेटने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया है। क्या आप कहेंगे कि आप ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं? यदि हाँ, तो हमने आपको कवर कर लिया है। तो बिना किसी देरी के आइए NFT की सभी चीजों पर एक नजर डालें और यहां तक कि बेचे गए सबसे महंगे NFT के बारे में भी पढ़ें। अपूरणीय टोकन NFT के बारे में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। इससे पहले कि हम अब तक बेचे गए सबसे महंगे NFT का खुलासा करें, हम उनके बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे। NFT क्या है? अपूरणीय टोकन डिजिटल संपत्तियां हैं जो कलाकृति, संगीत, वीडियो, तस्वीरें आदि जैसी चीजों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका उपयोग वास्तविक दुनिया की चीजों के साथ साथ डिजिटल माध्यम में संग्रहित आभासी वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। इस अर्थ में इन टोकन को उस वस्तु पर स्वामित्व का एक डिजिटल प्रमाण पत्र माना जा सकता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। NFT कैसे काम करता है? प्रत्येक NFT अद्वितीय डेटा के एक सेट के साथ एनकोड किया गया है, जिसका अर्थ है कि जिसके पास NFT है उसे उस पर विशेष अधिकार मिलते हैं। NFT भी ब्लॉकचेन नामक तकनीक पर चलते हैं, जो सार्वजनिक बही खाता के समान काम करता है। ये ब्लॉकचेन NFT के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेनदेन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे टोकन खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। आज उपयोग किए जाने वाले अधिकांश NFT एथेरियम ब्लॉकचेन का हिस्सा है। क्या मीम्स को NFT के रूप में बेचा जा सकता है? हाँ, कई लोकप्रिय मीम्स पहले ही NFT के रूप में बेचे जा चुके हैं। इन्हें अक्सर वायरल हुए मीम्स या तस्वीरों के मूल मालिकों द्वारा बेचा जाता है। यहाँ NFT को मूल्य मिलता है क्योंकि दुनिया सामूहिक रूप से मीम को मूल्य देती है। इसलिए जब तक मीम लोकप्रिय रहता है, उनके NFT भी अपना मूल्य बनाए रखते हैं। NFT के साथ कॉपीराइट कैसे काम करता है? अधिकांश बिक्री की तरह NFT भी किसी विशेष बौद्धिक संपदा के निर्माता को उसके कॉपीराइट बनाए रखने की अनुमति देता है। यदि किसी कॉपीराइट को स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इसे स्पष्ट रूप से बताते हों। परिणामस्वरूप कलाकृतियों, संगीत या तस्वीरों को NFT के रूप में रखने का आमतौर पर मतलब ये होता है कि टोकन का मालिक NFT को फिर से बेचने के अलावा इसके साथ और कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ कुछ सबसे महंगी चीजें हैं जिन्हें अपूरणीय टोकन के रूप में बेचा गया है। नंबर 10, एक पोलिश प्रभावशाली व्यक्ति का डिजिटल प्रेम $250,000। माटा रेंटल, जो एट माटा रेंटी के नाम से ऑनलाइन है, 731,000 फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर एक लोकप्रिय प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन अब वह अपने डिजिटल प्रेम को अपूरणीय टोकन के रूप में बेचने वाली पहली व्यक्ति होने के लिए बदनाम हो गई है। 13 जुलाई 2021 को रेंटल ने $250,000 की कीमत पर एक अज्ञात खरीदार को बिक्री की। इसके साथ ही प्रभावशाली व्यक्ति ने बिक्री के वास्तविक दुनिया के प्रतीक के रूप में खरीदार के साथ डेट पर जाने की भी पेशकश की। 9 संख्या 64 गैलन टोटा $252,000। रॉबिनस लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका का एक NFT कलाकार है, जिसने $252,000 में कूड़ेदान की एक छवि बेचकर कुख्याति प्राप्त की। छवि को 64 गैलन टोटा कहा जाता है और इसमें एक साधारण प्लास्टिक कूड़ेदान को गड़बड़ प्रभाव के साथ दर्शाया गया है। इस बिक्री की सफलता के बाद रॉबिनस ने और भी ऐसी असामान्य कलाकृतियां पेश की, जिससे उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स मिले। नंबर 8, स्नूपर्स में डिजिटल भूमि $450,000। स्नूपर्स लोकप्रिय संगीतकार स्नूप डॉग द्वारा बनाई गई एक आभासी दुनिया है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को ऑनलाइन हैंगआउट स्पॉट और गेमिंग अनुभव प्रदान करना है, और इसके पास जमीन के कई भूखंड हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है। 3 दिसंबर 2021 को मंच ने तब ध्यान आकर्षित किया जब एक प्रशंसक ने स्नूप डॉग की ब्रह्मांड संपत्ति के बगल में कुछ जमीन खरीदी। ये बिक्री $450,000 में की गई, जो आभासी संपत्ति के भुगतान के लिए एक बड़ी राशि थी। नंबर 7, द डिजास्टर गर्ल फोटोग्राफ $473,000। 2008 में जो रोथ उस समय इंटरनेट सनसनी बन गई जब उनकी 4 साल की एक तस्वीर डिजास्टर गर्ल मीम के रूप में वायरल हो गई।
उसके पिता द्वारा क्लिक की गई इस छवि में रोथ को कैमरे की ओर शरारत से मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, जबकि पृष्ठभूमि में एक घर जल रहा है। अप्रैल 2021 में रोथ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने मेम की मूल तस्वीर को NFT के रूप में बेचने का फैसला किया। फिर इसे एक संग्रहकर्ता ने $4,73,000 में खरीद लिया। रोथ ने कहा कि वह इस पैसे में से कुछ दान करेगी और बाकी का उपयोग अपने छात्र ऋण का भुगतान करने के लिए करेगी। नंबर 6, मंगल ग्रह, $5,00,000। मार्स हाउस एक पूरी तरह से डिजिटल घर है जो NFT के रूप में बेचा जाने वाला अपनी तरह का पहला घर है। इसका निर्माता क्रिस्टा किम नाम का एक कलाकार कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहता था जो केवल 2 आयामी छवि से कहीं अधिक हो। परिणाम स्वरूप खरीदार इस डिजिटल घर को 3 आयामी दुनिया में अपलोड कर सकते हैं और आभासी या संवर्धित वास्तविकता चश्मे के साथ इसका अनुभव कर सकते हैं। ये घर 288 ईथर, एक क्रिप्टोकरेंसी में बेचा गया था, जिससे ये राशि लगभग $500,000 के बराबर होती है। नंबर 5, न्यान कैट मेम, $5,90,000। न्यान कैट एक एनिमेटेड गिफ है जिसमें एक उड़ने वाली बिल्ली को पॉप टार्ट शरीर और उसके पीछे एक इंद्रधनुषी निशान के साथ चित्रित किया गया है। इसे लगभग एक दशक पहले क्रिस टोरिस नाम के व्यक्ति ने बनाया था। फरवरी 2021 में टोरिस ने मूल एनिमेटेड गिफ को फिर से तैयार किया और इसे NFT के रूप में $590,000 में बेच दिया। हालांकि मेम का खरीदार गुमनाम है और केवल प्लेटफॉर्म फाउंडेशन पर एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट नंबर से जाना जाता है जहां NFT बेचा गया था। 4, फ्लोरिडा में रियल एस्टेट, $6,53,000। 2022 में रियल एस्टेट स्टार्टअप कंपनी प्रोपी ने अमेरिका में एक NFT समर्थित संपत्ति लगभग $653,000 में बेची। ये संपत्ति फ्लोरिडा के गल्फपोर्ट में स्थित 2,164 वर्ग फुट का 4 बेडरूम और 2.5 बाथरूम वाला घर है। ऑनलाइन बिक्री के अंत में संपत्ति के अधिकार खरीदार AJ को अपूरणीय टोकन के रूप में हस्तांतरित कर दिए गए। यह अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार में NFT का पहला ऐसा अनुप्रयोग है। संख्या 3, चार्ली बिट माई फिंगर वीडियो, $7,60,999। 2007 में चार्ली बिट माई फिंगर शीर्षक वाला एक वीडियो YouTube पर पोस्ट होने के बाद इंटरनेट पर प्रसिद्ध हो गया। इसमें चार्ली नाम के एक बच्चे को अपने बड़े भाई की उंगली काटते हुए दिखाया गया है, जबकि बड़ा बच्चा चिल्लाता है, चार्ली ने मुझे काटा। हाल ही में 2021 में जिस परिवार के पास मूल वीडियो है उसने इसे NFT के रूप में $760,999 में बेच दिया। एक गहन बोली युद्ध के बाद वीडियो 3FM म्यूजिक नामक एक संग्रहकर्ता को बेच दिया गया। नंबर 2, घोजाली एवरीडे, $1,000,000 से अधिक। 5 वर्षों तक सुल्तान गुस्ताफ अल गजाली नाम का एक इंडोनेशियाई छात्र अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर प्रतिदिन एक तस्वीर लेता था। फिर मजाक के तौर पर उन्होंने इन अभिव्यक्तिहीन सेल्फी को NFT के रूप में प्रत्येक $3 के हिसाब से बेचने का फैसला किया। उनके पास लगभग 933 ऐसी तस्वीरें थीं और उन्होंने उन्हें हर दिन घोजाली शीर्षक के तहत ऑनलाइन पोस्ट किया। तब से कम 500 उपयोगकर्ताओं ने इन तस्वीरों को खरीदा है, जिससे उन्हें बिक्री में $1,000,000 से अधिक एकत्र करने की अनुमति मिली। नंबर 1, ईथर रॉक, $1,30,000,000। ईथर रॉक एक क्रिप्टो संग्रहणीय वस्तु है जो 2017 से मौजूद है, जो इसे आज के सबसे पुराने संग्रहणीय वस्तुओं में से एक बनाती है। यह मूलतः एक चट्टान की क्लिपार्ट छवि है जिसे NFT के रूप में बेचा जाता है। हालांकि चूंकि बाजार में ऐसी केवल 100 छवियां हैं, इसलिए इसकी कमी के कारण इसका मूल्य बढ़ गया है। अगस्त 2021 में ब्रांड ने अपने कार्टून रॉक का एक NFT $1.3 मिलियन में बेचा। और वहां आपके पास है दोस्तों अब तक बेचे गए 10 सबसे महंगे NFT। ये चौंका देने वाली कीमतें और अभूतपूर्व रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कला की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो भौतिक हो या डिजिटल। इन अविश्वसनीय बिक्री पर आपके क्या विचार हैं? क्या NFT वास्तव में कला संग्रह का भविष्य है? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं और अधिक मनोरंजक सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्रेरित रहें और NFT की लगातार विकसित हो रही दुनिया की खोज करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।